भारतीय नौसेना ने आज इतिहास रचा है क्योंकि भारतीय नौसेना को मिल गई है अपनी पहली महिला पायलट। जी हाँ, भारतीय नौसेना को पहली महिला पायलट मिली है, सब लेफ्टिनेंट शिवांगी, जिनको केरल में कोची में जो भारतीय नौसेना की दक्षिणी कमान है वहां पर उनको विंग्स दिए गए हैं, यानी कि अब वो बिल्कुल पूरी तरह से पायलट बन गई हैं और अपने डोरियन एयरक्राफ्ट में उड़ सकती हैं। हमारे साथ खुद सब लेफ्टिनेंट शिवांगी हैं। सब लेफ्टिनेंट शिवांगी, आपका स्वागत है एबीपी न्यूज पर। थैंक यू। सबसे पहले सवाल तो ये कि कभी क्या मन में विचार आया था, सोचा था कभी कि इस तरह से इतिहास में आपका नाम दर्ज हो जाएगा, पहली महिला पायलट भारतीय नौसेना की? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं सोचा था। ऐसा सोचा था कि पायलट बनना है, ये भी सोचा था कि डिफेंस में आना है, बट ये शायद कुछ ऐसा था जो मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया। बट अभी बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि मैं इतिहास का एक हिस्सा बनने जा रही हूँ। सो यू नो, इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मेरे लिए, मेरे मम्मी पापा के लिए। सो ये बहुत ही अलग फीलिंग है जो मैं शायद डिस्क्राइब नहीं कर पाऊँगी। कहाँ से प्रेरणा मिली आपको ये एक तरह से मिलिट्री में आने के लिए, नेवी में आने के लिए और पायलट बनने के लिए? पायलट बनना, जब मैं 10 साल की थी और मैं अपने नाना जी के घर गई थी, तो नाना जी मुझे एक जगह लेके गए थे जहाँ पे एक मिनिस्टर था जो कि वो लोगों को एड्रेस करने के लिए वो आए हुए थे वहाँ पे। तो मैं वहाँ गई थी उनको देखने, वो एक चॉपर में आए थे और वो चॉपर होवर कर रही थी, तो मैंने उसको देखा, मैंने देखा एक एक यू नो पायलट उसको उड़ा रहा था। वो देख के मुझे बहुत बहुत अच्छा फील हुआ, मुझे ऐसे लगा मैं भी कुछ ऐसा करना चाहती हूँ। तब मैंने पहली बार सोचा कि अगर मुझे मौका मिले तो मैं पायलट बनूँगी। और डिफेंस में आने की बात रही तो जब मैं कॉलेज में गई थी तो कॉलेज में नेवी की एक स्कीम आती है, यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम, तो वो आए थे वहाँ पे हमारे कॉलेज में। एक उन्होंने प्रेजेंटेशन दिखाई थी जिसमें उन्होंने नेवी के बारे में बताया था, और वहाँ पे एक ऑफिसर भी आए थे जो हमें एड्रेस कर रहे थे। तो यूनिफॉर्म मैंने पहली बार देखी, वो पहली बार मैंने सामने से किसी को देखा ऐसा यू नो वाइट यूनिफॉर्म पहन के, और वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुई मैं उसको देख के। तब मैंने सोचा, तब काफ़ी यू नो डिटरमिंड हो गई थी मैं कि डिफेंस ही ज्वाइन करना है उसके बाद। सब लेफ्टिनेंट शिवांगी, क्योंकि आप बिहार के मुजफ्फरपुर से ताल्लुक रखती हैं, वहाँ पे आपकी पढ़ाई हुई, तो क्या आपके कोई फैमिली में कोई मिलिट्री बैकग्राउंड है जिसकी वजह से आप आई, या आपका कोई मिलिट्री बैकग्राउंड ऐसा नहीं है फिर भी आप? मैं बिल्कुल सिविलियन बैकग्राउंड से आती हूँ, मेरे घर से कोई भी नहीं है मिलिट्री में। सो मैं पहली हूँ जिसने थोड़ा इस तरफ जाने का सोचा, और मैं कहूँगी मैं बहुत ज़्यादा लकी थी कि मेरे पेरेंट्स और आसपास जो भी रहते हैं और मेरे फ्रेंड्स, सब लोग बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव थे इसके लिए, और उन्होंने हमेशा मुझे बहुत ज़्यादा एंकरेज किया, शायद इसी वजह से मैं यहाँ पहुँच पाई। एक सवाल और, क्योंकि जो फ्लाइंग है अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है, आज आपको विंग्स मिल गए हैं, लेकिन समंदर के ऊपर फ्लाइंग करना, जैसे कि खुद नील आर्मस्ट्रांग ने भी कहा था कि अगर सबसे मुश्किल काम दुनिया में है तो वो समंदर के ऊपर फ्लाइंग करना है, वो आप करने जाने, कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं उसको? अभी हमारी स्टेज टू में हम ऑलरेडी फ्लाई कर चुके हैं समुद्र के ऊपर, हम अबाउट 80 किलोमीटर्स तक जाते हैं। सो शुरू में बहुत, बिकॉज आप जब फ्लाइंग करते हो तो हमें पहले स्टेज में ये सिखाया जाता है कि आप होराइज़न देखो, होराइज़न देख के फ्लाई करो, फिर आपको पता चलेगा आप नीचे जा रहे हो या ऊपर जा रहे हो। बट एक बार आप समुद्र में जाते हो तो आपको वो होराइज़न नहीं दिखता, इट्स ऑल सेम, सब कुछ सेम रहता है, समुद्र और आसमान। सो आपको थोड़ा टाइम लगता है इस चीज़ को अप्रिशिएट करने में, बट एक बार आप यूज्ड टू हो जाते हो तो फिर वो नॉर्मल फ्लाइंग जैसा ही हो जाता है। और हाँ, थोड़ा डिफिकल्ट है, बट यू नो इम्पॉसिबल नहीं है। ट्रेनिंग के बारे में थोड़ा सा बताएंगे, क्योंकि ट्रेनिंग में आप खुद, आपके साथ आज दो और जो मेल पायलट्स हैं उनकी भी, उनको भी विंग्स मिले, तो किस तरह की ट्रेनिंग आपको हुई, कोई किसी तरह की कितनी बड़ी चुनौती होती है एक पायलट बनने के लिए, खासतौर से फीमेल नेवल पायलट बनने के लिए? सबसे पहली तो आप जब नेवी ज्वाइन करते हो तो आपको वो बेसिक नेवल ट्रेनिंग के लिए वो आपको बेसिक कोर्स कराते हैं, एनओसी कोर्स होता है, नेवल ओरिएंटेशन कोर्स, जो कि एरिमला में होता है, वो 6 महीने का कोर्स होता है जिसमें वो आपको फिजिकल ट्रेनिंग पे ज़्यादा फोकस करते हैं, वो आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं, ड्रिल सिखाते हैं, स्विमिंग सिखाते हैं, और जो भी चीज़ें हैं रनिंग, वो सब वो आपको फिजिकली एकदम फिट कर देते हैं। उसके बाद आप अपनी फर्स्ट स्टेज ऑफ फ्लाइंग की ट्रेनिंग के लिए जाते हो, जिसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं सफना स्कूल फॉर नेवल एयरमैन,
वहाँ पे हम आते हैं और हम बेसिक फ्लाइंग के ग्राउंड सब्जेक्ट्स की ट्रेनिंग करते हैं, और उसके बाद हम AFA जाते हैं, एयरफोर्स अकेडमी डुंडीगल। वहाँ पे हमारे स्टेज वन ट्रेनिंग होती है जो कि पिलाटस पे होती है। वो ट्रेनिंग वो आप 6 महीने आपने अकेडमी में बिताए हैं जिसमें आप सिर्फ भागते रहते हो, पढ़ाई से रिश्ता नाता थोड़ा टूट सा जाता है, बट फिर वहाँ जाके आपको पढ़ाई करनी है, बहुत सारी पढ़ाई करनी है, आपको सारे चेक्स याद करने हैं और फिर सॉर्टीज़ के लिए प्रिपेयर करना है। सो थोड़ा मुश्किल होता है टाइम मैनेज करना, बट आपको बहुत बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और फिर यही डॉर्नियर एयरक्राफ्ट सर्विलेंस एयरक्राफ्ट है जो आप फ्लाइंग करेंगी, राइट? यही है, ये है भारतीय नौसेना के डॉर्नियर एयरक्राफ्ट है। इस वक्त ABP न्यूज़ दक्षिणी कमान भारतीय नौसेना की कोची में है, जहाँ पर INS गरुण, जो इस बेस का नाम दिया गया है, INS गरुण नाम दिया गया है, वहाँ पर इस स्क्वाड्रन में ही डॉनियर एयरक्राफ्ट हैं जिसमें खुद फ्लाइंग करेंगी सब लेफ्टिनेंट शिवांगी। अभी 6 महीने की ट्रेनिंग और है आपकी, उसके बाद फिर आप पूरी तरह से लेफ्टिनेंट शिवांगी बन जाएंगी, पूरी पायलट बनेंगी। तो अभी आपकी शुरुआत आप समंदर के ऊपर मैरीटाइम रिकॉग्निशंस ट्रेनिंग शुरू होगी अभी इस एयरक्राफ्ट से? हाँ, अब मेरी बेसिक ट्रेनिंग इस एयरक्राफ्ट पे हो चुकी है, इसके बाद मैं ऑपरेशनल ट्रेनिंग करूँगी जो कि 13 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे, और फिर मैं वो ट्रेनिंग ख़त्म करने के बाद मैं फुली ऑपरेशनल हो जाऊँगी इस जहाज़ पे। तो मैं मिशंस में जाया करूँगी, मैरीटाइम रिकॉग्निशंस मिशंस या फिर सर्च एंड रेस्क्यू मिशंस जो भी होंगे। सब लेफ्टिनेंट शिवांगी, क्योंकि जो हमारे देश में अब जो महिला सशक्तिकरण की बात चल रही है, जो महिलाएं हैं उनको कॉम्बैट रोल भी देने की बात चल रही है, दी भी जा रही है, भारतीय वायुसेना में तो 3 महिला फाइटर पायलट्स भी बन गई हैं, तो आप भी देखती हैं अपना कॉम्बैट रोल भी देखती हैं इस तरह से इस एयरक्राफ्ट को जब फ्लाइंग करेंगी तो? देखिए, ये एक फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं है, ये एक मैरीटाइम रिकॉग्निशंस एयरक्राफ्ट है जो कि जैसे मैंने कहा बहुत सारे मिशंस होते हैं उनमें ये जाता है, ये सर्च एंड रेस्क्यू के लिए। फाइटर हमारे लिए एक हमारे लिए नेवी के लिए सबसे पहले तो उनको महिला ऑफिसर्स को पहले शिप पे भेजना पड़ेगा, वरना फाइटर्स में नहीं जा सकते, बिकॉज फाइटर्स का जो बेस होता है वो एयरक्राफ्ट कैरियर्स पे होता है। सो आपको एयरक्राफ्ट कैरियर से टेक ऑफ करना है और एयरक्राफ्ट कैरियर पे ही लैंड करना है, तो उसमें आई थिंक थोड़ा टाइम लगेगा। अभी ये एक मैरीटाइम रिकॉग्निशंस एयरक्राफ्ट है, हम ये लैंड से टेक ऑफ करते हैं और ज़मीन पे आके लैंड करते हैं, सो उसमें आई वुड से कि थोड़ा टाइम लगेगा, बट आई डोंट थिंक इट इज़ इम्पॉसिबल, इट विल हैपन। यानी कि कॉम्बैट रोल की तरफ ये पहला कदम इसको मान सकते हैं, क्योंकि अगर इस एयरक्राफ्ट को उड़ा सकते हैं तो फिर P-8 भी नेक्स्ट जो भारतीय नौसेना का एयरक्राफ्ट है जो कि रिकॉग्निशंस भी है और साथ ही एंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट भी, तो उसको भी अब और आपको देख कर प्रेरणा आएगी और देश की बेटियों में कि वो भी ज्वाइन करें? ज़रूर, मैं कहूँगी क्योंकि ये अवेयरनेस की बात होती है, अगर आप अवेयरनेस फैलाएंगे कि हाँ आप ये भी कर सकते हो, तब लोगों को ये समझ आता है कि अच्छा हम ये भी कर सकते हैं, वरना हमें पता ही नहीं होता कि लड़कियाँ ये भी कर सकती है। सो आई थिंक लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी और वो यूटिलाइज भी करेंगे आई फील सो। देश की जो बेटियां हैं उनको क्या आपकी तरफ से आप क्या संदेश देना चाहेंगी कि भारतीय नौसेना में या फौज में आने के लिए क्या संदेश देंगे? बिल्कुल, आप ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि ये डिफ़िकल्ट लाइफ होती है, अगर लाइफ में कुछ चुनौती नहीं है तो फिर लाइफ जीने में मज़ा नहीं आएगा। सो मैं कहूँगी कि आपका अगर ड्रीम है डिफेंस ज्वाइन करना तो आप बिल्कुल उसको फॉलो करें, और लाइफ यहाँ पे बहुत ही अच्छी है, आप मतलब यू शुड ज्वाइन, यू शुड सी फॉर योरसेल्फ एंड यू विल एंजॉय इट। तो ये पहली बार हुआ है कि भारतीय नौसेना में महिला पायलट बनी है, इतिहास में नाम दर्ज हो गया है, मील का पत्थर साबित होगा ये। अभी 6 महीने की ट्रेनिंग और है 3 सब लेफ्टिनेंट्स की, और उसके बाद ये पूरी तरह से भारतीय नौसेना में शामिल हो जाएंगे, पूरी तरह से ऑफिसर बन जाएंगे, लेफ्टिनेंट बन जाएंगे, और उसके बाद देश की जो समुद्री सीमाएँ हैं उनकी ये सुरक्षा करेंगे। कैमरामैन आदर्श कुमार के साथ नीरज राजपूत, ये है ABP न्यूज़, आपको रखे आगे।